आज के वीडियो में हम ये बॉटनेक कुर्ती का कटिंग देखेंगे। तो ये इनका नाप है, ये 33 की चेस्ट के हिसाब से बनाना है हमें बॉटनेक। तो चलिए देखते हैं कटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ऊपर दो मार्किंग कर लेना है, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, आधा टेढ़ा होता है तो ये तो सीधा ही है लेकिन फिर भी उसके लिए। और ये 1/2 इंच की हमारी स्टिचिंग जाएगी उसके लिए मार्किंग किया है। अब जो नाप है लेंथ का वो यहाँ से करना है, आपकी जितनी भी लेंथ हो उतना रख देना है। समझ लीजिए आपकी 40 लेंथ है और 40 यहाँ पे आ रहा है, तो 40 यहाँ पे रख के 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो ये अस्तर वाला है, वैसे तो ये अस्तर है और इसका मेन कापड़ है, वो इसके बाद हम कटिंग करेंगे। लेकिन मेन क्या है, कटिंग कैसे करते हैं वो बताने के लिए सबसे पहले अस्तर बिछाया है। यहाँ से पूरा कपड़ा है तो ये हमने बिछाया ऐसे है। तो अब सबसे पहले क्या है, इसका चेस्ट है तो चेस्ट 33 का है, इसमें 4 इंच का लूजिंग छोड़ना है। ज्यादातर चेस्ट और वेस्ट दोनों जगह 4-4 इंच लूजिंग छोड़ना है। अगर आपको मतलब जो कस्टमर है उसको नॉर्मल फिटिंग पसंद है, एकदम स्किन टाइट फिटिंग पसंद है, तो 33 की चेस्ट में हम 3 इंच भी लूजिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एकदम स्किन टाइट बनेगा तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत टाइट जिसको पसंद है उसी के लिए। उसको पीछे भी चेन भी डालना पड़ेगा, इसमें कुछ पीछे चेन बैन है नहीं। तो सबसे पहले हमारी चेस्ट है, यहाँ से 7 इंच के आसपास नीचे का मार्किंग कर लेते हैं, 7 इंच नीचे आएगी। फिर ऊपर नीचे हम आर्मोल के हिसाब से ये वाला पार्ट करेंगे। फिर इसका जो साइड का कट है वो यहाँ से ही सब नाप करना है, और 21 इंच के नीचे है तो यहाँ से 21 इंच का नाप कर देना है। और इसकी जो कमर है वो 14 इंच के आसपास आएगी, तो लेंथ के हिसाब से देख लेना है। किसी किसी की कमर 15 इंच भी आती है, इसकी 14 है। और ज्यादा आइडिया ना आए तो आप ये काम भी कर सकते हैं अंदाजा लेने के लिए, कि ये यहाँ से चेस्ट से लेके जो कट का पार्ट है वहां तक कितना गैप है। तो ये 14 इंच है तो उसके दोनों के बीच में भी आप कमर रख सकते हैं, तो 7 इंच इसके वैसे सेंटर जैसा ही हो गया तो ये भी कर सकते हैं। अभी चेस्ट में 33 की चेस्ट है तो 4 इंच ऐड करना है, तो 37 होगा। पहले पूरा जो नाप है उसमें 4 इंच ऐड कर देना है। अब 37 का 4 पार्ट कर देना है तो कितना होगा, 9.25 होगा आई थिंक। तो 9.25 और क्वार्टर मतलब 9.25 मतलब 9 इंच और क्वार्टर। और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं कि कभी लूज करना पड़े, तो मार्जिन का कपड़ा बोलते हैं। उसके बाद इसकी जो कमर है वो 27 27 इंच की है, तो उसमें भी 4 इंच ऐड कर देना है, तो 31 की कमर हो जाएगी। तो 31 में उसका भी 4 पार्ट कर देना है, तो 7.25 आएगा, 8 में थोड़ा सा कम, ये 7.25 आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी 1.5 इंच 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। और ये जो हिप्स का पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे साइड कट आता है वहां पे हिप्स का पार्ट आता है, तो हिप्स के पार्ट के लिए हम इसकी हिप्स है 36 इंच, तो इसमें 2 इंच ही ऐड करेंगे, 38, क्योंकि ये 21 पे है साइड कट। अगर ये 23 पे होता तो हम 3 इंच इसमें ऐड करते हैं, लेकिन थोड़ा जितना ऊपर होता है उतना लूजिंग कम होता है, तो 2 इंच ओनली ऐड करना है। तो 38 का 4 पार्ट कर देना है, तो 9.5 आएगा, 9.5, तो 9.5 पे मार्किंग करना है। और यहाँ पे 1.25 मतलब 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ना है, यहाँ पे 1.5 1.5 मतलब 1.5 1/2 इंच, और यहाँ पे 1/4 इंच, क्योंकि यहाँ से साइड कट फोल्ड करना है, इसलिए तो फोल्ड करने में आसानी होती है, तो ज्यादा कपड़ा होता है तो फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। अभी इसमें शोल्डर है 15.5 15.5 है, तो जितना शोल्डर है उसमें से 1 इंच मैं कम कर देता हूँ बोटनेक होता है तो, क्योंकि वो पहनने से थोड़ा ब्रॉड हो जाता है तो अपने आप ही बढ़ जाता है शोल्डर। और अगर नहीं करेंगे कम तो भी चलेगा, इसमें जितना है उतना ही शोल्डर रख देंगे तो भी। तो इसमें हम 15.5 है तो 15.5 इंच 14.5 मतलब 1 इंच कम कर देते हैं, तो 14.5 का आधा होगा, 7.25 7.25 मतलब यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और बोटनेक जो होता है ज्यादातर मैं 4.5 इंच के आसपास 4.5 इंच ब्रॉड रखता हूँ, तो ये मार्किंग हो गया। और ये यहाँ से 1/2 इंच क्रॉस आएगा इस साइड, जो बोटनेक होता है बंद गला होता है उसमें इस साइड क्रॉस होता है, अगर बड़ा गला हो तो थोड़ा इस साइड मतलब जैसा गला उस साइड क्रॉस होता है
बंद गला होता है तो ये इस साइड ही क्रॉस करना पड़ता है कटिंग। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे राउंड का, और इसका जो आरमोल है हमारा वो है 13.5 है आरमोल, 13.5। तो 13.5 का आधा कर देना है तो 7.25 आएगा, 7.25 इंच। तो यहाँ पे जहाँ पे चेस्ट का मार्किंग है वहीं से नाप करना है कि 7.25 कहाँ पे आ रहा है। तो ये 7.25 तो यहीं पे आ रहा है, और ये आधा इंच हमारा जो शोल्डर पे ऊपर स्टिचिंग का जाएगा वो, तो यहाँ से नाप कर लेना है ये कितना गैप है, 1 इंच का गैप है। तो यहाँ से ये 1 इंच हमको ये चेस्ट का जो मार्किंग है वो ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्मोल इसका जो है वो यहाँ पे सही आएगा। तो यहाँ पे कितने इंच नीचे हो गया, यहाँ से 6 इंच नीचे ये हुआ, हमने थोड़ा ज्यादा नीचे ले लिया था ये बड़े नाप में इतना, मतलब ये आर्मोल का। तो यहाँ से जो उनका बॉडी का आर्मोल हो उसी के हिसाब से करेंगे तो ही परफेक्ट आएगा, क्योंकि कभी कभार अंदाजा हमारा भी देखिए गलत हो गया तो आपका भी हो जाएगा। तो अंदाजे से कभी नहीं करना है, वापस से ये चेस्ट का जो मार्किंग है हमारा 4th पार्ट का वहीं से नाप करना है, और नाप करेंगे 7.25। तो देखिए 7.25 यहाँ पे आ गया, और ये आधा इंच जितना स्टिचिंग जाएगा इसमें, तो ये कपड़ा भी यहाँ तक ये, तो अभी ये वाला हमारा परफेक्ट है। अगर ऐसे कोई गलत मार्किंग हो जाए तो इसको ऐसे लाइन कर देंगे तो हमको आइडिया जाएगा कि हमारा मार्किंग गलत है, ऊपर वाला सही। तो इस हिसाब से सब मार्किंग कर लेने हैं, और जो बोट नेक है वो अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मिनिमम 3 इंच नीचे रखना चाहिए इसको। कोई किसी को बड़ा चाहिए तो 3.5 इंच भी कर सकते हैं, 33 की चेस्ट है इसके लिए। फिर जितनी चेस्ट हो उसके हिसाब से उसकी ब्रॉडनेस बढ़ती है, और थोड़ा कोई कोई में नीचा भी करना पड़ता है, इसमें हम 3.5 रखते हैं, और फिर यहाँ से ये राउंड का शेप दे देते हैं। तो इसमें हम नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम कैनवास पे कटिंग करेंगे, ये सिर्फ मार्किंग करके दिखाए आपको। अभी ये जो चेस्ट और वेस्ट, कमर और छाती का जो है वो दोनों मार्किंग मिला लेना है। और अगर आप इसमें ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा क्रॉस आ रहा है तो पीछे डार्ट भी डाल सकते हैं। तो पीछे देखिए डार्ट डालना हो तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से 1/2 इंच ज्यादा कपड़ा ले लेना है, और ये यहाँ से भी हमें ये 1/2 इंच ज्यादा ले लेना है स्टिचिंग के लिए। तो देखिए इसमें हम डार्ट डालेंगे क्योंकि ये ज्यादा क्रॉस मुझे लग रहा है, तो ये क्रॉस कम हो जाएगा और इससे फिटिंग भी सही आती है, अच्छी आती है। कोई कोई ज्यादा क्रॉस नहीं आता तो उसमें डार्ट की जरूरत नहीं आती, तो हम नहीं डालते, सिर्फ पीछे की साइड डालेंगे, आगे नहीं डालेंगे। तो देखिए अभी ये वाला हमारा मार्किंग गलत हो गया, तो इसके ऊपर इस तरह से लाइन कर देंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये हमारा गलत है, और ये वाला मार्किंग भी गलत है। तो यहाँ पे भी ऐसे लाइन कर देनी है 2-3, तो ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए करने में। और फिर ये वेस्ट से लेके हिप्स तक का जो मार्किंग है वो, और फिर यहाँ से तो ऐसे सीधा ही कटिंग होगा, तो उसका कोई कोई इश्यू नहीं है। अभी दोनों पार्ट एक जैसे साथ में रख के हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए अभी हम गला नहीं काट रहे हैं, ऊपर से ही सीधा काट रहे हैं यहाँ से, और ये जो गला जितना ब्रॉडनेस है वहां पे एक मार्किंग कर लेंगे, और यहां से आर्मोल कटिंग हो जाएगा। तो देखिए हमारा नॉर्मल कटिंग हो गया है। अभी इसमें हमें ये वाला पीछे का पार्ट रखेंगे और ये वाला आगे का, क्योंकि मार्किंग इसमें लगे हुए हैं तो इसी को आगे का पार्ट हम कर देते हैं। अभी ये जो मार्किंग लगे हैं वैसे सेम पीछे भी लगाने हैं, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमको नाप करने की कोई जरूरत नहीं पड़े कहाँ स्टिचिंग करनी है उसके लिए। तो ये कैंची का जो नोक होता है दोनों साइड लगा देना है, कमर और नीचे हिप्स पे, तो ये यहाँ हमको इजीली दिख जाएगा यहाँ पे है। तो ये मार्किंग ऐसे कर लेना है इसमें, और उसके बाद ये जो है चेस्ट का मार्किंग भी ऐसे कर लेना है यहाँ से। तो ये चेस्ट से लेके वेस्ट तक और वेस्ट से हिप्स तक वैसे सीधा मार्किंग कर देना है, और फिर स्टिचिंग के टाइम यही मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, तो ये काम बहुत इजी हो जाता है सिलाई के टाइम। और ये जो आगे का पार्ट है उसको बोटनेक होता है तो थोड़ा ज्यादा, मतलब यहाँ तक
एक आधी 1 इंच जितना है इतना क्रॉस कटिंग करना पड़ता है, तो आगे जो क्रीज ज्यादा नहीं आती इसमें, फिटिंग अच्छा आता है मतलब इससे। अगर बड़ा गला है तो उसमें थोड़ा कम होता है, बंद गला जितना होता है उतना ज्यादा ये राउंड कटिंग होता है। तो ये देखिए आगे और पीछे का पार्ट अस्तर का कटिंग हो गया है, इसके ऊपर से अब मेन कपड़ा हम कटिंग करेंगे और स्लीव्स थोड़ी इसमें लंबी शायद करनी है। तो स्लीव्स अब में लंबी में हम अस्तर नहीं डालते हैं और कस्टमर ने भी ना बोला है, तो डायरेक्ट हम मेन कपड़े पे ही स्लीव्स कटिंग करेंगे और ये अस्तर के ऊपर से जो इसका मेन कपड़ा है वो कटिंग कर लेते हैं। अब हमें पीछे के पार्ट में डार्ट के मार्किंग कर लेने हैं। तो क्या करना है कि ये जो वेस्ट का पार्ट है कमर का, वहां से एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है, मतलब यहाँ हमें जहाँ डार्ट लेना है वहीं जरूरत है। वैसे स्केल से ऐसे फूल कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे डार्ट लेना है वहीं पे काम है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से 3.5 इंच ये जो वाला हमारा पार्ट है वहां से 3.5 इंच रखना है और फिर ऊपर नीचे दोनों साइड 5 5 इंच, तो 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड, मतलब 10 हो जाएगा, 10। तो दोनों साइड 5 5 इंच लंबा रखेंगे और यहाँ से 3.5 इंच का ही डार्ट रहेगा हमारा ऊपर नीचे सब जगह से। तो अब इसमें कैसे होगा डार्ट वो हम स्टिचिंग में तो देखने वाले हैं, लेकिन अभी बता देता हूँ कि यहाँ से 1/2 इंच स्टिचिंग आएगी, यहाँ से 1/2 इंच स्टिचिंग आएगी और यहाँ से इसके साथ ऊपर मिल जाएगा ये डार्ट और नीचे भी ऐसे ही आएगा। वैसे मेरा जो फुल ड्रेस कटिंग स्टिचिंग का वीडियो होगा डार्ट वाला, उसमें मैंने बताया होगा। तो देखिए ये वाला डार्ट ऐसे आएगा। अभी इसमें दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेना है, तो क्या करना है कि यहाँ से कैंची का पॉइंट लगाएंगे तो नीचे की साइड हमें मार्किंग दिख जाएगा, तो इस पॉइंट से नोक लगा के दूसरी साइड हमें मार्किंग कर लेना है। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब आप कटिंग करेंगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा। तो ये 3 मार्किंग ऐसे कर लेने हैं, ये आपको आइडिया है कि कैसे स्टिच होगा, तो उसके लिए मैंने बताया। तो ये पीछे का पार्ट भी मार्किंग हो गया हमारा। देखिए तो ये इसके आगे के पार्ट का कपड़ा है और इसमें आगे 3 4 बटन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से बोट नेक बन जाएगा और नीचे बटन आ जाएंगे। और पीछे के पार्ट के लिए प्लेन कपड़ा है, तो ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसमें से स्लीव्स बनेगी, इसका तो जो चौड़ाई है वो कम है, तो इसमें से स्लीव्स आई थिंक नहीं निकलेगी। अगर वर्क वाली स्लीव्स निकलती है तो निकालने की ट्राई करनी है, लेकिन इसमें लंबी स्लीव्स अगर शॉर्ट होती तो हो जाती। तो देखिए इसको जो सेंटर है वहीं से फोल्ड कर लेना है और फिर जो हमने अस्तर कटिंग किया है उसको इसके ऊपर रख के बस बड़ा बड़ा ही कटिंग कर लेना है एक बार तो। और आप चाहें तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे हम प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी जरूरत नहीं है, हम जब इसको पेस्ट करेंगे अस्तर को मेन कपड़े के साथ तभी प्रेस लग जाएगी। तो अगर आपको जरूरत लगे तो लगा सकते हैं। देखिए इसमें इस साइड कुछ ज्यादा कपड़ा है नहीं, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इसके नाप से कटिंग कर लेते हैं, तो बड़ा ही रख के हम कटिंग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ ऊपर से जो प्लेन कपड़ा है वो निकाल देना है और बाकी ज्यादातर स्टिचिंग से या फेविकोल से हम इसको मेन कपड़े के साथ पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा कटिंग किया है वो हम निकाल देते हैं। देखिए तो ये बैक का पार्ट हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है पीछे के लिए, तो इसके ऊपर भी ये मेन लाइनिंग का जो हमने कटिंग किया हुआ है अस्तर का कपड़ा वो रख देना। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट कट टू कट रखा है हमने इसमें, क्योंकि इसमें साइड में जो कपड़ा बचेगा वो वाला उसमें से स्लीव्स कटिंग करनी है, तो स्लीव्स में कम ना पड़ जाए इसके लिए। अगर कपड़ा ज्यादा हो तो बड़ा कटिंग कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यहाँ से इसके नाप से ये इसको भी सीधा कटिंग कर लेना है, तो ये बैक का भी कटिंग हो गया है। और हमें स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक का जो लाइनिंग है अस्तर उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम अभी निकाल लेते हैं इसमें से। और अब हम ये जो प्लेन कपड़ा बचा है उसमें से स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। देखिए तो ये बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास स्लीव्स के लिए, तो इसको सबसे पहले तो डबल कर लेना है क्योंकि 2 स्लीव्स करनी है, तो ये डबल हो गया हमारा। और इसके बाद एक बार और डबल कर लेना है इस तरह से, तो ये यहाँ से स्लीव्स कटिंग होगी हमारी। तो ये कपड़ा सही से रख के इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा ली है हमने, तो
अब ये किनारी का जो पार्ट है नीचे का वो निकाल देना है। उसके अगर लेंथ में कम पड़ रहा है तो रखना है, अगर लेंथ में कम नहीं पड़ेगा तो हम निकाल देंगे उनको। देखते हैं अंदाजे से मैंने 1.25 इंच के आसपास जो फोल्ड करने का कपड़ा होता है वो रखा है, 1.25 इंच ही है। तो अभी इसकी लेंथ है 16, 16 इंच, तो 16 इंच एग्जैक्ट 16 इंच यहाँ पे आ रही है तो हो जाएगी। ये यहाँ पे ऊपर तो कपड़ा है लेकिन ये एक साइड, ये जो ये वाला है वो कम है और इसके नीचे है वो ज्यादा है, लेकिन 16 इंच और 1/2 इंच स्टिचिंग का एग्जैक्ट कट टू कट है कपड़ा तो चलेगा। तो किनारी हम निकाल देंगे। अभी ये जो ऊपर वाला मार्किंग है वहां से 3 इंच 3 इंच नाप करना है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। 3 इंच नीचे हमें इसका राउंड कट करना है, तो एक 3 इंच के पास भी मार्किंग कर लेना है। अभी इनका जो आर्मोल है उसको नाप करना है, 13.5 है आर्मोल, तो जितना भी आर्मोल है उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है, तो 14 इंच होगा। तो 14 का आधा यहाँ से कितना होता है वो देख लेना, 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पे रख के एक मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे हमने चेस्ट में हमने देखिए हमने मैंने बोला था ये बैक पार्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें हम, तो ये बैक का पार्ट है, तो इसमें हमने 1.5 इंच मतलब यहाँ पे मार्किंग नहीं है आगे के पार्ट में है। तो जब हमने कटिंग किया तब देखा तो है ही कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा रखा था हमने, तो इसमें भी स्लीव्स में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा रखना है। और इसकी जो मोरी हो बॉटम वो उसका आधा कर देना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। तो इसकी 10.5 की है, 10.5, तो उसका आधा 5.25, 5.25 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 1.25 इंच से 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1.25 इंच रख देते हैं। तो ये ऊपर और नीचे का दोनों मार्किंग यहाँ से ऐसे मिला देना है। और ये वाला पार्ट है यहाँ से हमें जितनी लेंथ है वहां तक इस तरह से राउंड दे देना है। तो ये स्लीव्स हो गई, स्लीव्स बहुत इजी है वैसे। स्लीव्स अलग अलग टाइप की स्लीव्स के मेरे एक दो वीडियो और भी है, तो उसकी लिंक अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्लीव्स कटिंग का। और यहाँ पे मिडल का मार्किंग कर लेना है कट लगा के। और यहाँ से जहां तक हमने मार्किंग किया वहां तक कट कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे, यहाँ से हमें फोल्ड करना है उसका मार्किंग हो जाए। और ये जो किनारी का एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसको हम निकाल देंगे, तो किनारी जहाँ तक हो सके वहां तक निकाल देनी है। अभी ये क्या है कि दोनों पीछे वाले पार्ट है, तो पीछे के साइड एक बार नाप करके देख लेते हैं कि होता है परफेक्ट या नहीं। वैसे ये सिंथेटिक कपड़ा है तो ये तो हो जाएगा, अगर कड़क कपड़ा रहता है तो कोई कम ज्यादा होता है, ये तो उल्टा का ज्यादा हो रहा है, लेकिन स्टिचिंग के टाइम वो बराबर हो जाएगा। अगर ये कॉटन का कपड़ा रहता तो यहाँ तक ही आता वो, लेकिन ये सिंथेटिक है तो लंबा हो जाता है, थोड़ा हाथ में और सही से रखना पड़ता है। देखिए ये दोनों भी पीछे के पार्ट ही है, तो इसमें से एक साइड से आगे के लिए कटिंग कर देना है, जैसे हमने आगे के पार्ट में जो मेन जो पार्ट है उसमें कटिंग किया है आगे के, वैसे ही इसमें भी थोड़ा ज्यादा कटिंग इस तरह से कर देना है। तो ये आगे का पार्ट हो जाएगा, तो ये आगे का हो गया और ये पीछे का। अभी ये पीछे के पार्ट में लगेगा, ये आगे के पार्ट में लगेगा। तो ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई, मतलब पूरा ड्रेस कटिंग हो गया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसका जो बोटनेक है वो कैसे बनता है वो हम देख लेंगे। बाकी पूरा ड्रेस का तो वीडियो है वैसे मेरा, तो पूरा ड्रेस वैसे सिंपल ही बनता है जैसे बनाते हैं वैसे, तो बोटनेक कैसे बनाते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।